कुछ लोग लाइफ में इतने स्पेशल होते हैं कि उन्हें क्या स्पेशल सरप्राइज दिया जाए समझ ही नहीं आता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कुछ स्पेशल करने को अपनी एक स्पेशल फ्रेंड के लिए। दीप्ति, वेलकम टू हैशटैग सरप्राइज विद दीप्ति, एपिसोड नंबर 1। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं इस सीरीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ एंड फाइनली आई कैन शो यू। तो इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट वेज में बताऊँगी कि किसी को कैसे सरप्राइज़ दिया जाए हर फ्राइडे को 9 बजे। ओके, ज़्यादा कमिटमेंट तो नहीं कर दिया ना। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है। शी इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड, शी इज़ माई फैमिली। जैसे एक फैमिली सुख दुख में साथ देता है, जैसे एक फैमिली सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही वो भी मेरे लिए वो मेरी खुशी में खुश हो जाती है, मेरे दुख दर्द को समझती है। एंड इतने स्पेशल फ्रेंड को इतना स्पेशल क्या दिया जाए जो उसके टक्कर का हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं लिखने बैठ गई उसके लिए कुछ लाइन्स। मैंने उसके लिए लिख दिया जो भी दिल में था, बट फिर सोचा इसे दूँ कैसे, व्हाट्सएप पे लॉन्ग नोट? नहीं, तो बहुत बार कर चुकी हूँ। लेटर लिख के दूँ? नहीं, वो भी दे चुकी हूँ। कुछ बना कर दूँ हैंडमेड, उसमें रख कर दूँ? नहीं, ये भी कर चुकी हूँ। तो फिर और क्या ऐसा कर दूँ जो सच में बहुत स्पेशल हो? आइडिया। इसमें है क्या मेरे को? हाथ में दिखाओ। यार नहीं, हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए हाथ वाला। हमें नहीं चाहिए गिफ्ट, अब हाथ वाला चाहिए। यार वो है जो पापा की तरह हमारा पेट पालता, यार वो है जो माँ की तरह हमारी परवाह करता, यार वो है जो भाई की तरह हमारी रक्षा करता, यार वो है जो बहन की तरह हमें हर मुश्किल से बचाता, यार वो है जो मोहब्बत की तरह हर सुख दुख में साथ देता, और यार ही वो रिश्ता है जो बिन रिश्ते हर रिश्ता निभा जाता। सोच के भी डर लगता है कैसी होगी बिन यार जिंदगी, अरे मत सोच यार, सोनी हो जाएगी तेरी जिंदगी, सोना हो जाएगा वो बचपन जिनमें हम साथ खेलते थे, सोना हो जाएगा वो क्लासरूम जिनमें हम लेक्चर झेलते थे, हाँ झेलते थे, सोनी हो जाएगी वो कैंटीन जिनमें हम चिल्लर इकट्ठा करते थे, सोना हो जाएगा वो स्कूटर जिस पे हम लद कर चलते थे, सोना हो जाएगा वो अड्डा जहाँ हम जाया करते थे, सोनी हो जाएगी जिंदगी जिनमें तुम यार बसते थे। खैर सोनी नहीं है मेरी जिंदगी, पूरी मुस्कुराहट से मैं ये बात कह सकती हूँ। हम आज भी एक टॉफ़ी के दो टुकड़े करते हैं, हम आज भी मॉल सिर्फ एसी की हवा खाने जाते हैं, हम आज भी पानी पूरी वाले भैया से एक सूखी पापड़ी एक्स्ट्रा मांगते हैं, हम आज भी मैचिंग चीज़ें खरीद के खुश हो जाते हैं, हम आज भी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं और फिर साथ हो जाते हैं, हम आज भी अपनी ज़िंदगी खुल के जीते हैं। बस तुम भी सुन लो मेरी यार मेरी प्यार, दिल से बोला है जो भी बोला है तो याद रखना ये सारी चीज़ें। लास्ट में एक सॉन्ग डेडिकेट करूँगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। Awesome. तुम्हारा फ्रेंडशिप डे गिफ्ट ये हमें आते ही चाहिए। अच्छा तरह से awesome. अच्छा लगा देखा, लेकिन पता है हमको हाथ वाले गिफ्ट मतलब मुझे ये अच्छा यार, ये मेरे फोन में आ जाएगा, ये मेरे फोन में आ जाएगा, यूट्यूब पे डाल देंगे, जब मन होगा देख लेना। नहीं हमको मेरी मेल पे भेज दो, ये नहीं वो वाली जब ये भी भेज देंगे, वो भी भेज देंगे, वो जो दूसरी मतलब ये वाला सेक्सी है पैर के बना। अच्छा तो मैंने इसको नोट्स लेटर एंड क्या हैंडमेड गिफ्ट सब दे चुकी हूँ, बट ऐसा कभी कुछ नहीं दिया था। एंड बाय द वे ये लाइंस मैंने खुद लिखी हैं, कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इट्स ऑसम awesome.
यस वीडियो से बोल रही हूँ, हाथ में चाहिए? नहीं हाथ नहीं, वीडियो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे आप नॉर्मल वीडियो बनाते हैं कि फोटोज डालकर सॉन्ग्स डाल दिया, तो इसकी जगह मैंने जैसे अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने अपनी आवाज़ में यहाँ पे पोएट्री जो मैंने खुद लिखी है वो डाली है। अगर आप नहीं लिख सकते तो गूगल से जो डेडिकेट करना चाहते हो आप वो उठा लो, या फिर कोई सॉन्ग अगर अच्छी आवाज़ है, और अगर नहीं भी अच्छी आवाज़ है लेकिन आप खुद गाकर अपने फ्रेंड या किसी को डेडिकेट करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे मुझे लगा तो वो सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हो, या कोई पोएट्री गूगल से आप उठाकर डाल सकते हो। हाँ, और अगर खुद लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने लिखा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंडशिप डे आ रहा है, फ्रेंड्स के लिए या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मम्मी पापा जिसके लिए ट्राई करना हो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे अपना जिसको भी सरप्राइज है उसका रिएक्शन मुझे ज़रूर सेंड करें। इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करोगे। तो प्लीज़ मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और कुछ आई लव यू सो मच, और कुछ बोलना मेरी एयरपोर्ट पे? सो यस एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर्मेलिटी देखिए बस, और थैंक यू फॉर बीइंग माय बेटर हाफ। सो अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। So that's it for the video. Thank you so much for watching it. I hope you liked it. If you did, like, comment, share, and subscribe to my channel. Follow these handles on Instagram. And I'll see you in my next video. Until then, bye. Take care.